अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम टॉपिक नंबर 5 को पढ़ेंगे। जो चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया जिसका नाम है प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड, तो उसी का हम टॉपिक नंबर 5, जो टॉपिक नंबर 5 जिसका नाम है ग्यूटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस, ये हमारा एक और टॉपिक है जो आज हम इस वीडियो के जरिए से आप पढ़ोगे तो इसको अंडरस्टैंड भी करोगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे इससे पहले चैप्टर में या इससे पहले जो टॉपिक है उसमें हमने पढ़ा था जोहान ग्यूटेनबर्ग के बारे में थोड़ा सा, कि इसने कौन सा वो मशीन या वो कौन सा सिस्टम इसने डेवलप किया। तो जोहान ग्यूटेनबर्ग ये कहाँ का था? ये सबसे पहले जर्मनी का था, इन जर्मनी, कहाँ? जर्मनी में। ये जो जोहान ग्यूटेनबर्ग, जोहान ग्यूटेनबर्ग डेवलप्ड द फर्स्ट, जोहान ग्यूटेनबर्ग डेवलप्ड द फर्स्ट वेल नोन प्रिंटिंग प्रेस इन 1430s। क्या जोहान ग्यूटेनबर्ग ने क्या काम किया? इसने सबसे पहले डेवलप किया था कि प्रिंटिंग प्रेस को, इससे पहले जो प्रिंट दिया जाता था तो वो दिया जाता था जिसका नाम है वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी या मैन्युस्क्रिप्ट्स भी उससे पहले। तो डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए जोहान ग्यूटेनबर्ग जर्मनी का था, तो वो सब कुछ देख रहा था। और उसने किस सिस्टम से सीखा? सबसे पहले कि हम जोहान ग्यूटेनबर्ग के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जो जोहान ग्यूटेनबर्ग, ही वॉज द सन ऑफ ए मर्चेंट। ये जोहान ग्यूटेनबर्ग ये मर्चेंट का बेटा था। किसका बेटा था? मर्चेंट का। तो वो क्या काम करता था? वो उसने बचपन में ही क्या सॉ वाइन एंड ओलिव प्रेस, और उसने बचपन से ही वाइन की जो दुकानी है या वाइन जिससे निकाला जाता था टेक्नोलॉजी से, या ऑयल जो है उसको प्रेस से निकाला जाता था, तो उसने उसी से कुछ डेवलप किया, उसको आइडिया आया। तो साथ में वो क्या काम करता था? और ही वॉज पॉलिशिंग स्टोन्स। वो स्टोन्स पे पॉलिश करता था, और साथ में ही वॉज ए गोल्ड स्मिथ, यानी कि वो गोल्ड स्मिथ भी था, और वो सोने के साथ भी करता था, वो उसको भी बनाता था। तो उसी से उसने इन दो तीन चीजों की वजह से कि उसको एक नया आइडिया आया, क्यों ना मैं प्रिंट में भी कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करूंगा ताकि जो सोसाइटी की डिमांड है वो सेटिस्फाई हो, और ताकि जो मशीन मैं डिस्कवर करूं तो उससे क्या होगा, उससे जो ये जो प्रोडक्शन है प्रिंट का, वो ज्यादा से ज्यादा बने, वो ज्यादा से ज्यादा प्रिंट हो।
तो उसके लिए उसने क्या, उसको एक आइडिया आया था, तो उसने क्या डेवलप किया, फर्स्ट वेल नोन प्रिंटिंग प्रेस का 1430s में, किसने, जोहान ग्यूटेनबर्ग ने। तो इस प्रेस से सबसे पहले उसने क्या किया, उसने किया, उसने सबसे पहले बाइबल को प्रिंट किया। और इस प्रिंटिंग प्रेस से सबसे पहली जो बुक है, तो किस बुक को प्रिंट दिया गया इस प्रिंटिंग प्रेस से, वो है बाइबल। और फिर इस सिस्टम को प्रिंटिंग प्रेस जो था उसमें उसने एक परफेक्ट सिस्टम दिया उसके बाद, और वो परफेक्ट सिस्टम, परफेक्शन, यानी कि उसने प्रिंटिंग प्रेस की जो सिस्टम की जो परफेक्शन है, तो उसने उसको सही किया और उसमें डेवलपमेंट लाई है का 1448 में, 1448 में। तो फिर जब बाइबल पहली बुक जो उस वक्त जो रिलीजियस बुक थी, तो उस बाइबल को उसने प्रिंट दिया, सबसे पहली बुक जॉन ग्यूटेनबर्ग ने किसको प्रिंट दिया, बाइबल, ये याद रखना है। और फिर जॉन ग्यूटेनबर्ग ने ये जो सिस्टम है प्रिंटिंग सिस्टम, प्रिंटिंग प्रेस का, उसमें परफेक्ट सिस्टम कब बनाया, परफेक्शन दी 1448 में। तो उसके बाद जॉन ग्यूटेनबर्ग ने पहला प्रिंटिंग प्रेस कब डेवलप किया, 1430s में। ये चीजें हमें याद रखनी है। तो उसके बाद जॉन ग्यूटेनबर्ग ने 180 बुक्स को, कौन सी, बाइबल्स को, बुक यानी कि इसकी कॉपीज बनाई, 180 कॉपीज उसने बनाई। उन 180 कॉपीज बनाने में उसको 3 years लगे, कितने, 3 साल लगे, क्योंकि ये जो प्रिंटिंग प्रेस है तो इसकी स्पीड ज्यादा एज कंपेयर टू वुड ब्लॉक सिस्टम से। तो 180 कॉपीज कितना टाइम लगा उसको, 3 years उसको लगा। तो फिर द न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट एंटायरली डिस्प्लेस द एग्जिस्टिंग आर्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग बुक्स बाय हैंड, यानी कि ये जो जॉन ग्यूटेनबर्ग ने ये जो प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस जो डेवलप किया था, तो फिर इस टेक्नोलॉजी से भी क्या, जो प्रिंट दिया जाता था, जो अर्लियर सिस्टम था वुड ब्लॉक सिस्टम, या हम देखते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट्स, उसकी जो रिजेम्बलेंस है, उसकी जो अपेयरेंस है, इस प्रिंट की वजह से, प्रिंटिंग प्रेस की वजह से वो सारी चीजें खत्म नहीं हुई, लेकिन इससे जो प्रिंट दिया जाता था वो वैसे उसकी सिमिलरिटी होती थी, रिजेम्बलेंस होती थी जैसे हाथ से प्रिंट दिया जाता था, इसलिए रिजेम्बल्ड द रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स इन अपीयरेंस होता था। और जो बॉर्डर्स होते थे किसके, जो पेज प्रिंट दिया जाता था उसका बॉर्डर, फिर हाथ से उसको बॉर्डर बनाया जाता था, उसको डेकोरेशन किया जाता था, उसकी डिजाइन दिया जाता था, और जैसे डिमांड होती थी उसी हिसाब से उसका बॉर्डर भी डिजाइन किया जाता था। और क्या हमने पढ़ा, जो प्रिंटिंग प्रेस से जो प्रिंट दिया जाता था, जो इससे पहले जो वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी या मैन्युस्क्रिप्ट्स, वैसे ही उसकी भी रिजेम्बलेंस होती थी जैसे इसकी, इससे प्रिंट दिया जाता था। और फिर इससे क्या हुआ, इससे एक्सपेंशन हुआ, इस प्रिंटिंग प्रेस की वजह से ये भी यूरोप में फैल गया, और यूरोप में फैलने से प्रिंटिंग प्रेसेस वर सेट अप इन मोस्ट कंट्रीज इन यूरोप, यानी कि यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में फिर प्रिंटिंग प्रेस को क्या किया गया, सेटअप किया गया। जब इनको सेटअप किया गया, सेट अप किया गया यूरोप में मोस्ट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेसेस को, तो फिर उससे क्या हुआ, उससे प्रिंटेड मटेरियल में इजाफा हुआ। जैसे प्रिंटेड यानी कि प्रिंटिंग प्रेसेस में इजाफा हुआ, तो प्रोडक्शन में भी सीधी सी बात है कि उसमें भी इजाफा हुआ। और सेकंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी में हमें याद रखना है कि
कि सेकंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी में क्या हुआ, उसमें जो इन प्रिंटिंग प्रेसेस जो डेवलप हुए, एक्सपैंड हो गए, तो ज्यादा से ज्यादा प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया गया, तो उससे क्या हुआ, उससे प्रोडक्शन बढ़ गई। जब प्रोडक्शन बढ़ गई तो हम देखते हैं 15th सेंचुरी में ये प्रोडक्शन कितनी थी, 20 मिलियन कॉपीज। और फिर 16th सेंचुरी में क्या हुआ, 20 मिलियन, अब नहीं, अब 200 मिलियन कॉपीज का 16th सेंचुरी में 200 मिलियन कॉपीज को प्रिंट दिया गया। और इट मीन्स 20 मिलियन से 200 मिलियन, इट मीन्स प्रोडक्शन बहुत हद तक बढ़ गई। तो इस प्रोडक्शन बढ़ने से, इस सिस्टम के आने से कि एक रेवल्यूशन आया, किसमें रेवल्यूशन आया, ये प्रिंट में आया रेवल्यूशन, तो हम कह सकते हैं इसको प्रिंट रेवल्यूशन। लेकिन ये जो प्रिंट रेवल्यूशन किस में आया, सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि एक शिफ्ट हुआ, किससे शिफ्ट हुआ, हैंड प्रिंटिंग सिस्टम, हैंड प्रिंटिंग सिस्टम किस में शिफ्ट हुआ, मैकेनिकल प्रिंटिंग सिस्टम में। दिस लेड टू द प्रिंट रेवल्यूशन। तो प्रिंट रेवल्यूशन की हम यहां पे डेफिनेशन लिखेंगे। तो प्रिंट रेवल्यूशन का मतलब क्या है, प्रिंट रेवल्यूशन का मतलब है कि प्रिंटिंग प्रेस ने, प्रिंटिंग प्रेस की वजह से जो प्रोडक्शन है वो बहुत हद तक बढ़ गई, तो उसके बढ़ने से पूरे यूरोप में एक इंकलाब आया, किसमें, प्रिंट में आया। और उससे पहले कौन सा सिस्टम था, उससे पहले हैंड प्रिंटिंग सिस्टम था। और उस हैंड प्रिंटिंग सिस्टम जैसे शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग सिस्टम किसमें, टू मैकेनिकल सिस्टम। शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग सिस्टम टू मैकेनिकल प्रिंटिंग लेड टू देयर प्रिंट रेवल्यूशन। व्हाट इज प्रिंट रेवल्यूशन, प्रिंट रेवल्यूशन मीन्स शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग सिस्टम, यानी कि वुड ब्लॉक सिस्टम से सबसे पहले हम प्रिंट देते थे, उसमें बहुत टाइम लगता था और ये एक्सपेंसिव भी होता था, ये लेबोरियस भी होता था और ये ऑकवर्ड हैंडल होता था और इसको कैरी करना बहुत मुश्किल होता था, ये फ्रूगल होता था। और फिर किसमें हुआ, मैकेनिकल सिस्टम है, आप मैकेनिकल प्रेस या मैकेनिकल प्रिंटिंग से क्या, अब हम बहुत सारी कॉपीज स्पीड से हम तैयार करते हैं, यानी कि प्रिंट देते हैं। तो उस सिस्टम से, जिस सिस्टम से पहले बहुत टाइम लगता था लेकिन अब बहुत टाइम कम लगता है, और यहाँ कॉपीज, बहुत सारी कॉपीज बनाने में बहुत टाइम लगता था, यहाँ कम टाइम लगता है, अब इस मैकेनिकल सिस्टम से क्या हुआ, अब इस मैकेनिकल सिस्टम से प्रिंट में इनकलाब आया। और उस प्रिंट में इनकलाब आने को ही हम कहते हैं प्रिंट रेवल्यूशन। आगे जो हमारा एक और टॉपिक होगा जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिंट रेवल्यूशन एंड इट इज इंपैक्ट। तो मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक है हमने आज पढ़ा है, ये अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम आप फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।